नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी नाइन न्यूज। कोरोना ने पूरा देश हिलाकर रख दिया है। दुनिया महामारी से परेशान है, कोई विकल्प नजर नहीं आता। केवल दूरी बनाएं, एक दूसरे से मास्क लगाएं और सेफ रह सकते हैं। ये बता रहे हैं मुंबई से उत्तर प्रदेश बरेली आए नईम हैदर। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जीशान हैदर पूर्व राज्यपाल के साथ सलमान खान की सिस्टर के पीएसओ रहे हैं। बिग फैमिली मेडिकल कराकर क्वारंटाइन है। उन्होंने बताया जो भी परदेशी अपने गांव आए उसका भी वतन है, उस परदेशी से नफरत मत करो। हाँ, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, इंसानियत का तकाजा है एक दूसरे की मदद करें। नईम ने बताया, हम लोग मुंबई से आए, रास्ते में जगह जगह लोग खाना पीना खिला रहे हैं, क्या उनको डर नहीं कोरोना का? लेकिन यही इंसानियत है, खुदा ना करे किसी को कोरोना हो जाए मेरे गाँव में तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। ऊपर वाले की दुआ से हमारा इंडिया इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। जल्द फिर खुशहाल होगा देश, जीत का दम लेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। संवाददाता सरताज हुसैन की खास रिपोर्ट। कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग जो स्पेशल ट्रेन चली है हम लोग उससे आए हैं। फिर दिल्ली से हमने अपनी गाड़ी करी, उससे आए हैं और हम बहुत अच्छे से आए हैं। और उम्मीद करते हैं जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट भेजने का इंतजाम कर रही है और वो लोग जा रहे हैं। लेकिन जो लोग घर अपने पहुंच रहे हैं तो कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, भाई ये क्यों आए, इनको नहीं आना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, वो व्यक्ति जो आया है वो अपने घर में रहे, चेकअप करवा ले और अच्छे से अपने घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उसको। लेकिन जो लोग उससे बच रहे हैं तो बताइए, अब हम रास्ते में आए तो हमें खाना और पानी और हर तरीके का इंतज़ाम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए, अगर वो भी ये लोग सोचें कि भाई कि ये लोग बाहर से आए इनसे हमें बचना चाहिए, तो वो लोग किसी को खाने और पानी के लिए पूछे ही नहीं, तो बताइए अगर फिर तो इंसानियत मर जाएगी ना। यानी कि जो रास्ते में अजनबी लोग हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की, जब आदमी अपने घर पर आ रहा है तो लोग उससे बच रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अरे उसको सम्मान दे, अच्छे से कहें भाई घर में रहो, और जो आया है उसकी भी जिम्मेदारी है, वो अपने घर पर ही रहे, चेकअप करवा के अपने घर पर रहे। जैसे अभी मैं आया, मैं अपने घर पर ही हूँ, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला हूँ, अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे हूँ। मैंने मुंबई में चेकअप करवाया, मैंने यहाँ भी चेकअप करवाया, ठीक है ना। चेयरमैन साहब यहाँ के जो कंबर इजाज़ शानू साहब हैं, उन्होंने कहा भाई कोई परेशानी हो तो बताओ, आपका चेकअप करवाने में ले चलता हूँ। मैंने कहा मैं चेकअप करवाई आया, आपने बोले बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर पर ही रहिए। हमने कहा चेयरमैन साहब आप अपने घर पर ही हैं, बोले यहाँ ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहाँ पर और लोगों को भी यहाँ से मैंने भेजा, वो लोग गए हैं चेकअप करवाने के लिए गए हैं। तो हर इंसान की देखिए अपनी जिम्मेदारी है, अपने घर में आया है वो तो और भी तो परिवार के लोग हैं, समझ रहे हैं ना। ये हर इंसान को सोचना चाहिए और उससे किसी को बचना नहीं चाहिए। जो लोग बच रहे हैं वो गलती कर रहे हैं इस चीज़ की, उसको सम्मान दे भाई अपने घर पे रहो। जैसे पुलिस है, डॉक्टर है ना, सफाई कर्मचारी है, अगर ये लोग भी सब सोचें और बचने लगे तो बताइए कैसे चलेगा। डॉक्टर सोचे हम इलाज नहीं करेंगे तो मर जाएगा इंसान, आप समझ रहे हैं। फिर ये इंसानियत नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे अपने लिए तो सभी जीते हैं यार, फिर जानवर वाली ज़िंदगी है ये, तो बस अपना देखो, दूसरा मर रहा है तो मरने दो भाई। ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसकी मौत हो जाती है, उसके गली मोहल्ले के रिश्तेदार अगर उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आगे बढ़ूँगा उसके लिए, समझे ना, मैं जाऊँगा उसके लिए, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है यार। इंसानियत सबसे बड़ा